हाय फ्रेंड, आज आप लोग का हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास जीप कंपनी की कंपास गाड़ी पेट्रोल आई हुई है। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसका इंजन टाइमिंग के बारे में। तो हम आपको इसका इंजन टाइमिंग का डिटेल देंगे कि अगर आपको टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करना रहेगा तो आप उसका टाइमिंग किस तरह और किस मार्का पे रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको क्रैंक का टाइमिंग दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो व्हाइट मार्का है, ये व्हाइट मार्का आपके देखिए, इधर ब्लॉक पे व्हाइट पॉइंट दिया है, पेंट दिया है, ये आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं आपको पता चलता है तो ये क्रैंक का पुल्ली का हमने आपको दिखाया था, जो व्हाइट मार्का है वो व्हाइट मार्का आपको व्हाइट मार्का के सामने रखना है। और उससे भी आपको नहीं पता चलता है तो इसका जो चारों पिस्टन आता है वो आपको एक लेवल में रखना है। देखिए, हमने एक लेवल में इसका चारों पिस्टन रखा है। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, देखिए दो नंबर का, ये देखिए तीन नंबर का, ये देखिए चार नंबर का, ठीक है। तो आपको चारों पिस्टन एक लेवल में रखना है, ठीक है, एक क्रैंक के टाइमिंग के लिए। अब हम आपको बताएंगे इसका कैम का टाइमिंग। तो कैम का टाइमिंग देखिए, यहाँ पे आगे पुल्ली पे कोई मार्का नहीं आता है, इसका आगे पुल्ली पे कोई मार्का नहीं आता, ठीक है। तो आगे का पुल्ली का कोई आपको मार्का नहीं देखना है, ठीक है। इसका पीछे का जो है वो हम आपको दिखाते हैं, वो आपको सिर्फ मार्का ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका जो कैप है ये आपको ओपन करना पड़ेगा, कैम का पीछे का, ठीक है। ये आप कैम का कैप ओपन कर लीजिएगा और ये देखिए, ये जो कट है देखिए, ये आपको सीधा रखना है, ठीक है। ये आपको सीधा, एकदम सीधा लेवल में रखना है। इसके ऊपर देखिए बिंदी, एक छोटा सा ये बिंदी आपको राइट साइड में रखना है, पीछे के साइड। ये देखिए, जैसे आप पंप निकालते हैं, वैक्यूम पंप, उसके वहीं पर आपको खड़ा होकर राइट साइड में आपको पीछे के साइड रखना है, ठीक है, ड्राइवर साइड के साइड। ये आपको बिंदी एकदम, और ये एकदम आपको स्ट्रेट रखना है। ये हो गया आपका कैम का टाइमिंग। और ये आपको हम कैम का डांसिंग पोजीशन भी दिखाते हैं। देखिए, ये चार नंबर का जो, ये देखिए, जो कैम का जो पोजीशन है ये आपका डांसिंग पोजीशन पे है, एक नंबर का ओपन होने के पोजीशन पे। देखिए, एक नंबर का वाल आपका ओपन होएगा तो चार नंबर का वाल आपका दबेगा, ठीक है। ये आपका कैम का डांसिंग पोजीशन है, ठीक है। एक नंबर का वाल आपको ओपन रखना है और चार नंबर का वाल आपको डांसिंग पोजीशन पे रखने का है, तो आपका ये सेंटर पे आएगा। तो ये हमारा था जीप कंपास का पेट्रोल गाड़ी का इंजन टाइमिंग के बारे में डिटेल। अगर आप लोगों को हमारा इंजन टाइमिंग का डिटेल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।